भारतीय दिव्यांग यूट्यूब चैनल 1 2 3 दिव्यांग हैं हम, हारेंगे ना हम, दुनिया को दिखा देंगे हम में है कितना दम। दिव्यांग हैं हम, हारेंगे ना हम, दुनिया को दिखा देंगे हम में है कितना दम। चलिए हम लोग जुड़ गए हैं संदीप जी से, संदीप जी के साथ। संदीप जी हैं कानपुर से और खेलने प्रतियोगिता कौन बनेगा जी के जीएस के सुल्तान में क्वार्टर फाइनल राउंड में। तो संदीप जी आप कैसे हैं? सर हम तो बढ़िया हैं। अच्छा तो चलिए, जैसे कि रूल्स आपको पता है, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है सर। तो पूछा जाए पहला प्रश्न आपसे। जी सर, जी सर बिल्कुल। तो आपका पहला प्रश्न है, मुगल काल में वह कौन सा शासक था जिसने सर्वाधिक समय तक जिसने सर्वाधिक लंबे समय तक शासन किया था? ये आपका पहला प्रश्न है। अच्छा, अकबर। आपने कहा अकबर। चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। कंप्यूटर जी ने कहा यस। बधाई हो, आपने पहला प्रश्न का सही जवाब दे दिया। तो देर न करते हुए बढ़ा जाए दूसरे प्रश्न की ओर। हाँ सर। चलिए आपका दूसरा प्रश्न है, आपको बताना है जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? जजिया कर? हाँ, जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? फर्स्ट टाइम हाँ उसने यार। आपके पास 15 सेकंड का समय है। सबसे पहले जजिया कर कासिम था कोई करके, मुझे याद नहीं आ रहा अभी। कासिम? हाँ मीर कासिम था सर। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। आपने बताया कासिम यानी मोहम्मद बिन कासिम। हाँ तो चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। कंप्यूटर जी ने कहा यस। बधाई हो, आपने सब प्रश्नों के सही सही जवाब दे दिए हैं। बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसा महसूस हो रहा है? आखिरी प्रश्न बचा हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। और आखिरी प्रश्न है आपके सामने, पूछा जाए। जी सर, जी बिल्कुल। आपको बताना है मानव द्वारा सर्वप्रथम खोजा गया तत्व कौन सा था? मानव द्वारा सर्वप्रथम किस तत्व की खोज हुई थी? आग की? कृत्रिम तत्व। कृत्रिम मतलब मानव ने जिसको बनाया था। अच्छा, मानव ने जिसको बनाया। पहिए का आविष्कार। तत्व की हम बात कर रहे हैं, तत्व केमिकल प्रोडक्ट रासायनिक तत्व। यूरिया। आपने बताया यूरिया। सीमेंट। चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। कंप्यूटर जी ने कहा नो, गलत जवाब है। इसका सही जवाब है पोलोनियम। ओ सही जवाब है पोलोनियम। थोड़ा सा समझ में नहीं आया था क्वेश्चन का, इसलिए। हाँ चलिए चलो कोई बात नहीं है, अभी तो पूरा महीना है, पूरा महीने तक चलता है 20-25 तारीख तक प्रतियोगिता। ठीक है सर, कोई दिक्कत। बहुत अच्छा आपने खेला, बहुत ही अच्छा। हमारी तरफ से आप सबको एंट्री राउंड किए लिए ढेरों बधाई है। थैंक यू सर। ओके चलिए हम लोग जुड़ गए हैं कुंदन जी के साथ खेलने प्रतियोगिता कौन बनेगा जी के जीएस का सुल्तान इस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल राउंड में। तो कुंदन जी आप कैसे हैं? बढ़िया है सर, आप बताइए। सब बढ़िया है। चलिए तो प्रतियोगिता खेलने के लिए तैयार हैं? यस। चलिए तो पूछते हैं आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है कि पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 सर। आपने बताया पुराणों की संख्या है 18। चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। कंप्यूटर जी ने कहा यस। बधाई हो, आपने पहले प्रश्न का सही जवाब दे दिया है। चलिए बधाई हो, आपने पहले प्रश्न का सही जवाब दिया। चलिए अब हम पूछते हैं दूसरा प्रश्न, तैयार हैं आप? जी। आपको बताना है चार मीनार, सुना है आपने? जी। आपको बताना चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुतुब शाह। आपने बताया कुतुब शाह जी। चार मीनार का निर्माण कराया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह। चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। कंप्यूटर जी ने कहा यस। बधाई हो, आपने दो प्रश्नों के बिल्कुल सही और सटीक जवाब दिए हैं।
कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या लग रहा है तीसरे प्रश्न में क्या है हो जाएगा? धमाल मचा देंगे, देखते हैं। और आप हमारे आखिरी, अगर जीत जाएंगे तो आप हमारे आखिरी हैं, क्योंकि दो लोग साइटेड ग्रुप से दो लोग हो चुके हैं और ब्लाइंड ग्रुप से विष्णु जी पहुंच चुके हैं। और अब एक प्रश्न है और आपका नंबर है जी। तो पूछा जाए? जी। चलिए, आपको बताना है कलिंग युद्ध जी कब हुआ था? कलिंग युद्ध तो कब हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था, वर्ष बताना है आपको। वर्ष तो सर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन शायद आई थिंक कब हुआ सर, ये तो वर्ष मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, कलिंग के बारे में पढ़ा था लेकिन भूल रहा हूँ। अच्छा, तो चलिए फिर भी कुछ तो बताइए। ईसा पूर्व है, अब कितना ईसा पूर्व है जी? हाँ, मैं थोड़ा सा आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। दिमाग से निकल गया था क्या ईसा पूर्व है, तो मुझे पता है कि हुआ था, अरे भाई कुछ दिन पहले ही पढ़ा था सर, लेकिन मैं भूल रहा हूँ। चलिए, टाइम ओवर हो चुका है। ये है 261 ईसा पूर्व, 261। चलिए कोई बात नहीं है, आखिरी प्रश्न पे आप डिस्क्वालीफाई हो गए, कोई बात नहीं है। चलिए, अभी आपका एक चांस बचा हुआ है, तो हम कल या परसों आपसे फिर पूछ लेंगे जी, जी। ठीक है, ओके, थैंक यू हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। ओके, आप आ जाता तो। चलिए, हम लोग जुड़ गए हैं प्रेम जी के साथ, जो हैं प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। खेलने प्रतियोगिता कौन बनेगा जीके जीएस का सुल्तान। तो प्रेम जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर। तो प्रतियोगिता खेलने के लिए आप तैयार हैं? जी जी सर। चलिए, तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग प्रतियोगिता स्टार्ट करते हैं। तो पूछा जाए आपसे पहला प्रश्न। जी पूछिए। चलिए, आपका पहला प्रश्न है, महाभाष्य एक प्राचीन इतिहास का पुस्तक है, इसके रचयिता कौन है? महाभाष्य एक पुस्तक है, इसके रचयिता कौन है? वेद व्यास सर। आपने बताया महाभाष्य, ठीक है, महाभाष्य हम पूछ रहे हैं, तो आपने बताया है वेद व्यास। सॉरी सर, हमने सुना कि महाभारत सर। नहीं नहीं, हम महाभाष्य से बोल रहे हैं। ओ सर, पतंजलि है इसके। तो आपने बताया महाभाष्य पुस्तक के रचयिता हैं पतंजलि जी। चलेंगे कंप्यूटर जी के पास। कंप्यूटर जी ने कहा यस, सही जवाब। पहला प्रश्न और जवाब सीधे निशाने पर, क्या बात है प्रेम जी, बढ़िया है। सुन नहीं पाए इसलिए वेद व्यास हम बता दिए महाभारत, इसीलिए हमने दोबारा से रिपीट कर दिया जी। तो चलिए, पहला प्रश्न का आपने सही जवाब दिया है, बहुत ही अच्छा है। तो देर न करते हुए फिर पूछा जाए दूसरा प्रश्न आपसे जी। चलिए, तो आप तैयार हैं दूसरे प्रश्न के लिए? जी सर। आपका दूसरा प्रश्न है, आपको बताना है सबसे भारी धातु किसे कहा जाता है? सबसे भारी धातु, संसार का सबसे भारी धातु, उसका नाम बताना आपका। ऑस्मियम सर। आपने बताया ऑस्मियम जी। तो चलेंगे कंप्यूटर के पास। कंप्यूटर जी ने कहा यह सही जवाब, क्या बात है, दोनों प्रश्नों का आपने सही जवाब दे दिया है, कैसा महसूस हो रहा है? हम वो कहने वाले थे, क्या बोल रहे थे, मतलब प्लेटिनम बोलने वाले थे, लेकिन हमने ध्यान दिया नहीं, ऑस्मियम ही होगा। हाँ, प्लेटिनम तो
कठोर धातु है। हाँ कठोर है और ये हीरा भी वो है ना सर, ये हमने ध्यान दिया हीरा पदार्थ है। जी 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 हीरा पदार्थ होता है सबसे कठोर और ये सबसे कठोर धातु है। जी जी धातु 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 तीनों होती है। तो चलिए बहुत ही अच्छा रहा, दो प्रश्नों के आपने सही सटीक जवाब दे दिए और बचा है आपका आखिरी प्रश्न। आखिरी प्रश्न का जवाब देकर आप सीधे पहुंच जाएंगे हमारे सेमी फाइनल राउंड में। जी सर। तो आप तैयार हैं? जी सर। चलिए तीसरा प्रश्न, वो भी बहुत आसान है। आपको बताना है जो वोट पड़ता है और जो मतदाता होते हैं उनके नाखून पे जो स्याही लगाई जाती है वो क्या चीज होती है। अच्छा सर, वोट जो पड़ता है मतदाता की स्याही लगाई जाती है वो क्या होती है? जो काली काली होती है ना सर। समय आपका ओ सर ऑक्सलेटिक अम्ल होता है शायद। आपने बताया ऑक्सलेटिक अम्ल। चलेंगे कंप्यूटर के पास। कंप्यूटर जी ने कहा नो, गलत जवाब, सिल्वर नाइट्रेट होता है। ये सर सही जवाब है उसका, सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 ना सर। हाँ AgNO3। अरे सर चलिए कोई बात नहीं, दो प्रश्नों का आपने सही जवाब दिया और हमारे साथ आप जुड़े, इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया आपने, बहुत बहुत बधाई हो। आज इंट्री राउंड होगा तो आज इंट्री राउंड में फिर से भाग लीजिएगा। जी सर। ओके थैंक यू।